हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है जिपन नर्सिंग 2020 का सेकेंड फेज अलॉटमेंट जो है रिलीज हो चुका है। तो किस तरह से आप सेकेंड फेज अलॉटमेंट जो एमएससी नर्सिंग के लिए रिलीज हो चुका है चेक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इन केस और कोई भी नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जिपमर नर्सिंग 2020 सेकेंड सीट अलॉटमेंट जो है एमएससी नर्सिंग के लिए जो रिलीज हो चुका है उसे चेक करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दी, सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह का गाइस आपके सामने जो है नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो पहले आपको जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, उसके बाद जैसे आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो लिस्ट दिखाई देगी, आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट सेकंड राउंड का लिस्ट दिखाई देगी एमएससी नर्सिंग के लिए। रोल नंबर दे दिया पहले, फिर कैंडिडेट नेम है, उसके बाद रिजर्वेशन दे दिया, उसके बाद जो टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। उसी तरह से थोड़ा और नीचे जाने पे गाइस आपको जो और भी सारी डिटेल्स पूरी यहाँ से जो आसानी से आप जो सेकंड अपना राउंड का सीट अलॉटमेंट चेक कर पाएंगे पूरी डिटेल में। सो गाइस आई होप कि भी आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर फेस होती तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।